You, बच्चो, 2022 तो बच्चों यार पावर सिस्टम आपके लिए आप प्रोटेक्शन चल रहा है मोस्ट डराने वाला टॉपिक जिससे कि बच्चा बहुत ज्यादा डरता है बच्चा घबराता है कि सर कैसे करेंगे प्रोटेक्शन को कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उस टॉपिक को हम लोग डील कर रहे हैं सबसे आसान सबसे सीधे तरीके से और बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं तो यार देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके लिए क्या किया था लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वहां मैंने आपको समझाया था सबसे पहले तो डिफरेंशियल रिले फिर मैंने आपसे बात की थी ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में ओवर करेंट प्रोटेक्शन देखा टाइम ग्रेडिंग करेंट ग्रेडिंग देखा फिर हमने बात की डायरेक्शनल रीलेस की जहां हमने बात की रिंग मेन्स की बात की पैरल फीडर की उसके बाद हम मूव ऑन किए डिस्टेंस प्रोटेक्शन पे वहां हमने देखा थ्री जोन डिस्टेंस प्रोटेक्शन तो आज जो कुछ हिस्सा रह गया था हमारा ट्रांसमिशन लाइन का दैट इज आपका डिफरेंशियल रिले वाला पार्ट है जिसको हम लोग पायलट रिलेइंग स्कीम कहते हैं पायलट रिले स्कीम कहते हैं आज वो कवर करेंगे और बात करेंगे अल्टरनेटर प्रोटेक्शन की तो हो जाइए तैयार यार, यार एकदम जानदार शानदार जबरदस्त लेक्चर के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बहुत ज्यादा फन होने वाला है और बहुत ही अच्छे से आज जो है ना मशीन से रिलेट कर पाओगे क्योंकि भाई बात ऑल्टरनेटर की है ऑल्टरनेटर आए और मशीन इन्वॉल्व ना हो ऐसा तो नामुमकिन है इसीलिए आज बात करेंगे ऑल्टरनेटर से ठीक है चलिए शुरू करते हैं फिर Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goel. I got AIR one twice in Gate in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than one lakh student in the online and the offline classes, and presently working as a director at an academy for Gate department. अब ये तो बातें हुई भाई मेरे बारे में बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ऑल दीज फ्री आर इनिशियटिव्रॉड टू यू बाई अन अकेडमी बिकॉज अन अकेडमी एम्पावर करता है देश के हर कोने कोने में बैठे हर बच्चे को कि वो फ्री एजुकेशन का लाभ उठा पाए और बेटा आपने देखा ही है कि कितने ताबड़तोड़ तरीके से हम इनिशिएटिव लेके आते हैं मंडे से स्टार्ट हो रहा है प्लैनेट गेट जहां एक डिफरेंट तरीका है पढ़ाने का और मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं नेटवर्क एनालिसिस तो आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि नेटवर्क को एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एकदम ऑफलाइन क्लासेस की तरह डील करेंगे तो देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है आपका सपोर्ट कैसा आता है तो दैट विल गवर्न कि आगे क्या क्या इनिशिएटिव आपके लिए आने वाले हैं लेकिन यार इतना ध्यान रखो कि फ्री इनिशिएटिव सिर्फ यूट्यूब पे नहीं आएंगे फ्री इनिशिएटिव अन अकेडमी ऐप पर भी आएंगे तो आपको उसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से और वहां पे फिर आपको कोड लगाना पड़ेगा इनवाइट कोड दैट इज अंकित ई ओके इसके अलावा देखो यार मेरी तो सारी स्पेशल क्लास एक जगह मिल जाएंगी यार जाएगी अभी जो है ना मैं डेली यहाँ पे आपको अपकमिंग में दिखेगा डेली मैं जो है पीवाई क्यूज करा रहा हूँ नेटवर्क के तो जब आप लोग नेटवर्क पढ़ने लगोगे या शंकर सर के साथ अगर अभी पढ़ भी रहे हो तो भी बेटा मेरी पीवाई क्यू की क्लास में आ सकते हो और पीवाई क्यूज लगा सकते हो इस साल का मेरा ऑब्जेक्टिव आपको सारे पीवाई क्यूज में सोल्व कराऊंगा हर सब्जेक्ट के सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको किसी प्रीवियस ईयर की किताब खरीदने की जरूरत ना पड़े आप लोग उन वीडियोज के थ्रू सारे पी वाई क्यू अटेम्प्ट कर पाओ अदर देन दैट माइ डियर आपके पास है इस चैनल का वीडियो बुक यार जिसके अंदर इस चैनल के लास्ट ईयर के सारे लेक्चर्स और उनके पी डी एफ नोट अवेलेबल हैं तो यार जिस किसी बच्चे को ना फास्ट ट्रैक करके प्रिपरेशन करनी है वो इस लिंक पे जा सकता है बट गेट लाइव को अपर के इसमें डालना और फिर सारे पुराने लेक्चर्स आप देख सकते हो क्योंकि बेटा ओल्ड इज गोल्ड तो पुराने लेक्चर्स में भी बहुत सारा इन्फो बहुत सारा कंटेंट है आपको अगर अपने मन का सब्जेक्ट पढ़ना है तो यू कैन कवर इट फ्रॉम हेयर अब चाहें तो यार आप आ सकते हैं भाई प्लस पे क्योंकि प्लस पे क्या है इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स इसके अलावा कंटेंट के नाम पे डेली असाइनमेंट वीकली क्वेज टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक इनमें अगर रह जाए कहीं डाउट तो आपका किया जाता है डाउट सॉल्व अदर देन दैट बेटा आपको क्या मिलता है आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं सारे बैचेस वन ईयर टू ईयर थ्री फाउंडेशन प्लेसमेंट इंटरव्यू पी ए सारे बैचेस और अगर कोई क्लास मिस हो जाए यू कैन ऑलवेज वॉच इट रिकॉर्डेड अब इसके अलावा एक कदम और आगे जा सकते हो दैट इज आइकॉनिक अगर भैया यहां तक सफिशियंट नहीं लगता आइकॉनिक में प्लस बेनिफिट्स के साथ मिलेगा एक पर्सनल कोच जो कि गाइड करेगा कैसे तैयारी करनी है यह बनवा के देगा यार आपका स्टडी प्लानर कि कहा से क्या कितना पढ़ना है देन स्टडी बूस्टर सेशन जहां पे आपका पता चलेगा टीचर्स आपको मोटिवेट करेंगे मैं खुद स्टडी बूस्टर सेशन लेता हूँ टेस्ट एनालिसिस जहाँ आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताएंगे स्टडी मटेरियल जहाँ आपको थ्योरी और क्वेश्चन बैंक मिलेगा इसके अलावा यार एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर करती है आपके सारे डाउट्स तो अगर आप यहाँ कोड लगाते हो अंकित ए तो आपको मिलता है इमीजिएट टेन परसेंट डिस्काउंट और हमारी टीम की गाइडेंस में पढ़ने का मौका तो देखो फ्री हो प्लस हो आइकॉनिक हो कहीं भी हो ये कोड याद रखना ठीक है भाई अब बात ये आती है सर सारा कंटेंट तो यूट्यूब पे दे दो तो प्लस पे क्यों आना है बेटा देखो अगर कोई रिकॉर्डेड जीडीपीडी टाइप कोर्स बेच रहा है उससे ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पे है तो वहां तीस चालीस हज़ार रुपये मत फूक देना अपने माँ बाप के अपने माँ बाप को ये भी बता देना कि पापा इतना तो फ्री में ही दे दिया करते हैं तो इतना आपको फ्री में मिल रहा है यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव भी है और क्रैश कोर्स भी है यूट्यूब पे ठीक है क्वेश्चन सीरीज भी है बेटा सब कुछ है अगर एक सीरियस एस्पायरेंट तैयारी करना चाहता है ना यहाँ सब कुछ है बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम इतनी सी है यहाँ ना नॉइज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ स्पैमिंग बहुत ज़्यादा है तो सीरियस एस्पारेंट अक्सर क्या होता है ना पैसा तो बचा लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई बच्चा पचास रैंक ला सकता था तो उसको बाकी दुनिया पीछे खींच के पाँच सौ पे ले आती है वहीं अगर आप प्लस पे आते हो तो आपको मिलता है एक सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि बहुत सीरियस है जिन्होंने मान लिया है अब यार जीवन में कुछ कर दिखाना और जब ऐसे बच्चों के बीच रहते हो ना तो आपका मोटिवेशन लेवल नहीं गिरता क्योंकि जब आपको दिखता है सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनसे ज्यादा मेहनत करते हो फिर वहां टीचर्स आपको इतना पर्सनली गाइड करते हैं इंटरेक्ट करते हैं अब आप ये देखो आज के सेशन में मुझे पता है स्पैमिंग होने वाली है तो मुझे चैट ऑफ करनी पड़ गई प्लस पे ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होता जो फालतू बकवास करे और वहां पे आप इतने सीरियस एनवायरनमेंट में पढ़ते हो कि मैं खुद हर बच्चे के एक एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ और बेटा जब ऐसा होता है तब आपको समझ आता है कि आपकी कितनी केयर की जाती है कितनी परवाह की जाती है एक भी बच्चे को लेफ्ट आउट फील नहीं कराया जाता तो अगर आपको इस तरह के एनवायरमेंट में और इतने सारे बेनिफिट्स के साथ पढ़ना है मतलब ये मान लो कि अगर आपका यूट्यूब अर्थ है तो बेटा प्लस जो है ना हमारी गैलेक्सी है इतना डिफरेंस है इतना डिफरेंस है दोनों के अंदर अगर पढ़ना चाहते हो कम टू प्लस ऐसा नहीं है यूट्यूब से पढ़ नहीं सकते लेकिन बेटा तुम्हें तो दुनिया पढ़ने नहीं देगी है ना? क्योंकि समस्या क्या है लोगों को कि ये बच्चे पढ़ कैसे पा रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट अब यार देखो मैं सत्रह मार्च से लेके आने वाला हूँ एनोलॉग इलेक्ट्रॉनिक इसलिए अगर आपको मेरे से एनोलॉग पढ़ना है तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ नेटवर्क निपटाने वाले फैब एंड आ चुका है एसी एनालिसिस हमारा खत्म हो चुका है हम रेजोनेंस पे आ चुके हैं थोड़ा सा सिलेबस बचा है देन वी विल स्टार्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एक नए तरीके से एक नए अंदाज में पढ़ाएंगे जहां क्वेश्चन ओरिएंटेड होकर पढ़ेंगे और आपसे एनालॉग के सारे के सारे न्यूमेरिकल गारंटी है हंड्रेड परसेंट न्यूमेरिकल बना पाओगे याद रखना डेट सत्रह मार्च इसके अलावा मेरे बच्चों देखो अंकित ई सी कोर्स से आपकी वन ईयर की फीस कितनी हो जाती है दैट इज ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी थर्टी फोर सिक्स टू ईयर थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड मैं तो बोलता हूँ यार टू ईयर के लिए जाओ ताकि पर मंथ कॉस्ट आपकी मिनिमम पड़े और आप इसको बिना किसी इंटरेस्ट के ईएमआई पे ले पाओ और यहां कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता नहीं एक्चुअल अमाउंट बराबर इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो आइकॉनिक के लिए जाते तो वन ईयर की फीस हो जाती है यार आपकी टू ईयर की 66, 600। तो मैं फिर रिकमेंड करूंगा टू ईयर के लिए जाना ताकि आपकी पर मंथ कॉस्ट हो जाए तो मिनिमम ठीक है मैं देख रहा हूं डिसलाइक आने स्टार्ट हो चुके हैं है ना चलो तो यार शुरू करते हैं शुरू करते हैं आपको पता है हम लोग शुरू करते हैं आज के विचार से हाफ ऑफ द नॉलेज इज़ द एबिलिटी टू से आई डोंट नो यार अब आपको लगता होगा कि सर आपको तो सब कुछ आता होगा सर आप तो सारे क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे यार मैं आपको सच्ची बात बताऊं मैं आपको मन से एक बात सच बताता हूं मेरे को नॉलेज आप लोगों से ज़्यादा है डेफिनेटली लेकिन मैं ये बोलूं मुझे पूरा पावर सिस्टम आता है मुझे एक एक टॉपिक इतनी गहराई में पता है नहीं बेटा मैं पिछले सात साल से टीचिंग कर रहा हूँ और सात साल से टीचिंग के साथ साथ सीख रहा हूँ किससे सीख रहा हूँ आप लोगों से आप लोग यहाँ पे ना गुरु बन जाते क्योंकि यार जब आप एक क्रॉस क्वेश्चन करते हो ना बेटा तो मैं भले ही उस समय जवाब ना दे पाऊँ लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि यार मैं ना सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ अगर बच्चे ने ये पूछा कि ये कैसे हुआ या ये कैसे होगा तो मैं सोचता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कहीं से देखता हूँ रीड करता हूँ इंटरनेट पर गूगल करता हूँ तो देन आई कम अप विद सर्टेन मोर कॉन्सेप्ट जब आपने अगर मेरे मशीन के लेक्चर देखे होंगे तो आपने ये देखा होगा बेटा आपको हारमोनिक्स उस लेवल पे कोई नहीं पढ़ा सकता जिस लेवल पे मैंने मशीन के वीडियोस में पढ़ाया है ठीक है और एक अमेजिंग बात पता है क्या है कि वो वीडियो सारे पेड थे जो आपको फ्री दिए गए हैं ना उस कोर्स की कीमत थी चालीस हजार जो मशीन्स के लेक्चर मिले हैं डिजिटल के लेक्चर मिले हैं इसीलिए वो इतना औसम awesome कंटेंट है हमने सबसे पहले क्या किया जब अन से हम जुड़े हमने सबसे पहले क्या किया कि बच्चों को यार जितना कंटेंट हमने पेड बनाया ना सब फ्री में दे डालो अब जब अन अकेडमी हमारे पीछे खड़ा है अलाउ कर रहा है फ्री पढ़ाने के लिए तो हम पेड कंटेंट का करेंगे क्या बच्चों में बांट दो यार किसी का तो भला होगा और उसमें मशीन की पहली वीडियो पे दो लाख व्यूज होने वाले हैं मतलब समझ रहे हो दो लाख बच्चे देख चुके हैं वैसे इतना मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ दो लाख तो नहीं देखे होंगे चालीस पचास हजार बच्चे देखे होंगे क्योंकि वन व्यू इज नॉट इक्वल टू वन स्टूडेंट चालीस पचास हजार बच्चे तो देख ही लिए होंगे अगर एक साल में चालीस पचास हजार बच्चे देखे हैं एक लाख सवा लाख बच्चे तो गेट देते ही हैं इलेक्ट्रिकल से उसमें से चालीस पचास हजार अगर देख लिए तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट तो ये सब मुमकिन आप लोग करते हो यार तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बहुत बार आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं होता लेकिन बेटा अनलेस यू एक्सेप्ट इट एक्सेप्टैट यू डोंट नो समथिंग यू कांट लर्न इट अगर आप इधर उधर की बातों में निकाल दोगे तो जैसे कि बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे करते हैं कि बच्चे ने पूछा पता नहीं होगा कुछ भी चकरा दिया लेकिन बेटा उससे हुआ क्या आपका भी नुकसान हुआ और उस बंदे का जिसने ऐसा किया उसका भी नॉलेज लेवल रिस्ट्रिक्टेड रह गया क्योंकि शायद अगर उसने कहीं माना होता कि मुझको ये नहीं आता तो मेहनत करता बच्चे को अगले दिन उसका आंसर देने के लिए लेकिन ऐसे पता है बहुत कम लोग मिलेंगे और ऐसे बहुत सारे लोग मेरी टीम के अंदर है खासकर जैसे मैं पर्सनली जानता हूँ भीमा शंकर सर भीमा शंकर सर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं यार हम लोग तो क्या ही हैं वो तो पी कर रहे हैं विशाल सर एक एक सब्जेक्ट पे भयंकर मेहनत करते हैं लिटरली अगर आज मैं उन्हें कह दूं सर मशीन पढ़ाना है ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ विद इन थ्री फोर मंथ्स वो मशीन एक बहुत अच्छे डिसेंट लेवल पे पढ़ाने लगेंगे बहुत सारे टीचर्स से अच्छा है ना अब मेरे मुकाबले कैसा पढ़ाएंगे देखो यार ये तो मैं भी नहीं जानता क्योंकि हर टीचर का टीचिंग स्टाइल अलग है विशाल सर और मैं अगर सेम कंटेंट भी पढ़ाते ना तो भी हमें अलग अलग बच्चा फॉलो करता है बट डेफिनेटली सर एक मशीन के अंदर भी बहुत बड़ा नाम बन जाएंगे इतने मेहनती हैं साकेत सर यार साकेत सर जिस दिन पेपर सॉल्व कराने आए थे ना अन अकेडमी बैंगलोर में मैं देखा यार सर के टैबलेट में भर के किताबें 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 मतलब इतना कोई कैसा पढ़ सकता है यार मुझे तो इतनी किताबों के नाम नहीं पता जितनी उन्होंने रीड कर रखी हैं तो यार ये होता है ये होते हैं लर्नेड लोग जो कि पढ़ाई करते हैं जो कि सीखते हैं और मैं चाहता हूं आप लोग भी ऐसे बनो यार आप लोग भी ऐसे बनो मेहनत करो और ये मेहनत कब होगी जब आप ये एक्सेप्ट करोगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको लाइफ में नहीं आती मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं यार मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करता हूँ मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आउट ऑफ माई थाट प्रोसेस आते हैं जो मैं आपसे सीखता हूँ मेरे लिए पता है सबसे बड़ी किताब आप लोग हो यार हर साल इतने नए बच्चों से मिलना होता है कि कुछ ना कुछ नया सिखाई जाते हैं मेरे से ना यार ये किताब रीडिंग वाला काम हो नहीं पाता मुझे अगर कोई किताब से या कोई पता है कॉमन सब्जेक्ट से आइडिया चाहिए होता है मैं विशाल सर को बोल देता हूँ सर ये चीज़ ना प्रॉब्लम कर रही है अब मुझे पता अगर मैंने सर के दिमाग में एक डाउट डाल दिया ना तो सर उस पर इतनी मेहनत कर लेंगे कि उनका तो छोड़ो मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा मुझे ये पता है अब वो अलग बात है विशाल सर इस ट्रिक को समझते नहीं है मैं हमेशा ना उनमें जाके थोड़ा सा उंगली कर देता हूँ और फिर देखो सर की मेहनत ताबड़तोड़ सेम चीज़ सर भी करते हैं इसीलिए तो हम लोगों का पता है हम लोगों का फ्रेंडशिप टेक्निकल फ्रेंडशिप है क्योंकि बहुत बार हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट था क्या ये चीज सही होनी चाहिए जैसे आज भी पता है IT के 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 क्वेश्चंस बारे बारे में बात के बारे में बात हो रही थी कंट्रोवर्सी तो मैंने विशाल सर और मैंने काफ़ी डिस्कशन किया कंट्रोल को लेके क्योंकि सर को भी पता था क्वेश्चन मुझको भी कि ये चीज फेयर है या अनफेयर है क्या होना चाहिए इस तरह की चीजें होती हैं तो ये ध्यान रखना यार ना जानना जैसे एक ना हमारे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं नीट पढ़ाते आनंद मनी वो एक लाइन बोले थे अज्ञानता परमानंद तो बेटा ना जानने में कोई बुराई नहीं है बट जान लो और अभी के लिए उतना जान लो जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है आज देख रहे हो अटेंडेंस कैसे शूट अप हो गई है लेकिन ये बेचारे ना परेशान हो रहे होंगे कि क्या है चैट नहीं कर पा रहे हैं और मैं चैट करने नहीं दूंगा जब तक ये चीज़ें चलेंगी मैं चैट करने नहीं दूंगा क्योंकि फिर मैं पढ़ा पाऊंगा नहीं और मेरे बच्चों का नुकसान हो जाएगा तो मेरा मेन एम क्या है पढ़ाना है भाई चलो आ जाओ अब आज का पहला टॉपिक क्या है यार पायलट रिलेइंग स्कीम पायलट रिलेइंग स्कीम जो है ना कुछ भी नहीं है डिफरेंशियल रिले है लेकिन भाई डिफरेंशियल रिले क्या करता है वैसे मैं ये देखता हूँ यार स्क्रीन का कलर जिस रंग में होता है मेरे चेहरे पर वही कलर दिखने लगता है तो देखो क्या होता है पायलट रिलेइंग स्कीम एक डिफरेंशियल रिले है लेकिन यार लाइन इतनी लंबी होती है सौ किलोमीटर दो सौ किलोमीटर आप कैसे उसके दोनों छोर पे ऐसे रिले टांग दोगे क्या टांग सकते हो क्या नहीं टांग सकते इसीलिए बेटा अगर दो एंड के इंफॉर्मेशन को कभी भी कंपेयर करना है आपको यह देखना है क्या दोनों छोर पे करंट बराबर है यानी अनईक्वल है इक्वल है ये सब चीजें अगर आपको जज करनी है तो आपको एक एंड से दूसरे एंड पे इंफॉर्मेशन को भेजना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को भेजना पड़ेगा अब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप एक एंड से दूसरे एंड पे भेजते हो तो उसके लिए कोई ना कोई चैनल लगता है चैनल क्या होता है माध्यम जैसे मेरे मोबाइल का सिग्नल हवा में गया तो एयर इज अ चैनल मेरे लैंडलाइन का सिग्नल वायर में गया तो वायर इज अ चैनल किसी माध्यम से भेजोगे उस माध्यम को यहां कहते हैं पायलट पायलट वो नहीं है जो हवाई जहाज उड़ा रहा है पायलट वो माध्यम है जिससे कि हमारा इंफॉर्मेशन एक छोर से दूसरे छोर जाता है तो बेसिकली वी आर यूजिंग डिफरेंशियल रिले एट बोथ एंड ऑफ द लाइन बट बोथ एंड आर सेपरेटेड बाई स लार्ज डिस्टेंस वी कैन नॉट अ सिंगल रिले कनेक्टेड बिटवीन द टू एंड्स सो व्हाट डू वी डू वी रिले द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू दैन अदर एंड देन डिसाइड वेदर द relay विल ऑपरेट और नॉट ठीक है ये बात समझ आई देखो यहाँ पे यही लिखा है इंटर कनेक्टिंग चैनल इज कॉल्ड अ पाइलेट मैं पता है आपको ऐसे क्यों पढ़ा देता हूँ ये सब क्यों लिख के ले आता हूँ ये सब बेटा इसलिए लिख के ले आता हूँ आप लोगों के लिए कि जो है आप लोगों को मैं समझाने पे ज्यादा ध्यान दे पाऊं नोट्स आपके बने बनाए हैं सही है तो पायलट रिले स्कीम इज नथिंग बट अ डिफरेंशियल रिले नथिंग बट अ डिफरेंशियल रिले ठीक है डिफरेंशियल रिले है भाई अब चलो ये बात तो क्लियर हो गई अब आगे की बात कर लेते हैं अब इसके अंदर ना यार देखो हम दो स्कीम्स पे बात करते हैं इसके अंदर डिफरेंशियल रिले के अंदर या पायलट रिले स्कीम के अंदर हम दो स्कीम्स पे बात करते हैं कौन कौन सी कौन कौन सी स्कीम पे बात करते हैं यार एक तो ट्रांसले और एक बेटा कैरियर करंट फेज कंपैरिजन वैसे तुमने एक चीज़ नोटिस करी सभी बालकों ने बालिकाओं ने भी कि लोगों के पास टाइम नहीं है गेट का पेपर डिस्कस करने का कि क्या गलतियां हैं में क्या नहीं है लेकिन इधर उधर की बातें करने का टाइम सबके पास है और अब आई वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने हमारा पेपर तो डिस्कस नहीं कराया लगातार बोल भी रहे थे यार देखो पिछली बार आई का पेपर जब सॉल्व कराया था ना मात्र दस बच्चे आए थे

इंडक्शन डिस्क रिले लगता है कौन सा रिले लगता है इंडक्शन डिस्क रिले और उसमें भी कौन सी मीटर था ना दो मैग्नेट होते हैं एक होता, एक e होता है. अब यहां पे हमें करना क्या होता है मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं देखो ये सब चीजें लिखी रहने दो तो देखो ये डायग्राम तो यहां पे क्या है देखो ये बीच में ट्रांसमिशन लाइन है तीन ट्रांसमिशन लाइन जा रही है आर वाई बी अब इस पर तीन करंट ट्रांसफॉर्मर लगा लिए तीन करेंट ट्रांसफॉर्मर लगा, लगा दिए इन तीनों का जो करेंट आएगा देखो लाइन का जो करेंट बनेगा वो बनेगा प्राइमरी ये जो करेंट है है प्राइमरी इन तीनों में जो करेंट आएगा दैट विल बी सेकेंडरी ये तीनों सेकेंडरी करेंट हमने किस में दे दिए ई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो सेकेंडरी करेंट ऑफ सी टी सेकेंडरी करेंट ऑफ इस पास्ट इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेट अब देखो जो करेंट इलेक्ट्रो मैग्नेट में गया है ध्यान से देखना मैं आपको करेंट का पूरा रास्ता समझाता हूं जो करेंट इलेक्ट्रो मैग्नेट में गया है मेरे बच्चों वही करंट देखो यहां से निकल के इलेक्ट्रो मैग्नेट से निकल के किस में गया पाइलेट वायर में ठीक है तो यहां पे सेम करेंट सेम करेंट गोज इनटू गोज इनटू पाइलेट वायर गोज इनटू पाइलेट वायर अब ये पाइलेट वायर जाके कहाँ जुड़ी भाई ये वहां पे जुड़ी जहां दूसरे वाला रिले था देखो जरा ये रास्ता ट्रेस करते जाना मेरे भाई रास्ता ट्रेस करोगे ना तभी चमकेगा ये दिख रहा है देखो मैंने इसीलिए लाल कर दिया लाली देखन मैं भाई चित मैं भी हो गई लाल लाल है ना वैसे ये कर दिया लाल हमने अब लड़कियां कह रही होंगी नहीं सर ये तो मरून कलर है सर लाल थोड़ी होता है भाई हमको इतना कलर नहीं समझ में आता हमको एक ही समझ में आता है लाल काला पीला गुलाबी हरा नीला बस उतना ही है, है ना तो क्या होता है इधर से सेम चीज इधर करी इधर भी सीटी लगाए इधर भी पायलट वायर गई तो देखो पायलट वायर दोनों रिले से जुड़ी है पायलट वायर किससे जुड़ी है दोनों रिले से अब अगर मैं आपको ये बोलूं मेरे भाई कि यहाँ पे पायलट वायर में करंट आता है आई वन और इधर से आ जाता है दूसरे रिले का करेंट आई तो पायलट वायर एक्चुअली क्या कैरी करेगी दोनों करेंट का डिफरेंस तो हम क्या कहते हैं पायलट वायर पाइलेट वायर कैरीज समझ में आ रहा है सबको चैट तो आज है नहीं तो कमेंट में लिख के बता दो यार कैरीज डिफरेंस ऑफ टू करेंट्स क्या कैरी करती है डिफरेंस कैरी करती है अब भाई अगर एक पायलट वायर डिफरेंस कैरी कर रही है तो इसका करंट नॉन जीरो तभी होगा जब दोनों छोर का करंट इक्वल हो सॉरी अनइक्वल हो तो हम क्या कहते हैं आई पायलट इज नॉन ज़ीरो अगर I1 वन नॉट इक्वल टू आई है अगर देखो पायलट वायर का करंट नॉन जीरो रहा ना तब होगा क्या यहां पे जो नीचे वाला मैग्नेट मैग्नेट है न, U है ना यू शेप ये एनर्जाइज हो जाएगा एनर्जाइज का मतलब क्या है इस पर से करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा ऊपर वाला मैग्नेट तो बेटा बना ही रहा है देखो वो तो सिटी से जुड़ा हुआ है उसमें तो करंट था वो तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था लेकिन नीचे वाला किससे जुड़ा पायलट वायर से ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अगर पायलट वायर में करंट हुआ और अगर दोनों ने मैग्नेटिक फील्ड बना दी तो तो डिस्क चल पड़ेगी डिस्क चलने का क्या मतलब है रिले विल ऑपरेट तो बेसिकली यहां हमने क्या किया एक बार सीधे शब्दों में आसान भाषा में समझते हैं दोनों छोर के करंट लिए उनका डिफरेंस लिया और ये किस में डाला यू वाले इलेक्ट्रो में अगर ये दोनों करेंट डिफरेंट थे तो उस मैग्नेट में करेंट फ्लो करेगा जिस कारण से बनेगी मैग्नेटिक फील्ड जिस कारण से घूमेगी डिस्क तो एक मैग्नेटिक फील्ड पहले बन रही थी लेकिन जैसा रिलेज में मैंने आपको समझाया दो मैग्नेटिक फील्ड लगती है रिले के ऑपरेशन के लिए तो यहां पे नीचे वाला भी बनाने लगेगा अगर पायलट वायर में करंट आया तो इसीलिए पायलट वायर कौन सा करंट कैरी कर रही है बेटा दोनों तरफ का डिफरेंस और जब वो ये करंट कैरी करेगी तो रिले विल ऑपरेट तो बेसिकली डिफरेंशियली तो हो गया यानी रिले तभी ऑपरेट कर रहा है ना जब दोनों तरफ का करंट अनक्वल है तो बेसिकली हम डिफरेंस ले रहे हैं डिफरेंस के हिसाब से रिले आपका ऑपरेट करता है सही है भाई चलो तो ये सारी चीजें यहां लिखी हुई है आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है अब अगला आता है यार कैरियर करेंट फेज कंपेरिजन अब हम ये कहते हैं मेरे भाई कि अगर लाइन लंबी हो गई तो पायलट वायर की जो लेंथ है वो तो लाइन के बराबर ही होगी ना भाई जितनी लंबी लाइन जा रही है उतना लंबा पैरेलली दो तारे आपको लगानी पड़ेंगी अब खुद सोच के देखो यार खर्चा बढ़ा के नहीं बढ़ा खर्चा बढ़ गया ना दो एक्स्ट्रा वायर डल रही हैं। दो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वायर वायर डल डल रही रही हैं 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 आपकी पैरेलली अब इसी कारण से हम जाते कैरियर करंट फेज कंपैरिजन इसको ना आप लोग एक नाम से सुने होंगे पावर इंजीनियर्स हो यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो जानते हो पावर लाइन कम्युनिकेशन सर ये क्या होता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम तो थर्ड ईयर में है सर हमने नहीं सुना सेकेंड ईयर में बेटा पावर लाइन कॉम्युनिकेशन का मतलब जो पावर वाली ट्रांसमिशन लाइन है अगर वही कॉम्युनिकेशन के काम में आती है तो दैट इज कॉल्ड एज पावर लाइन कॉम्युनिकेशन तो यही चीज कैरियर करेंट फेज कंपैरिजन है अब देखो कॉम्युनिकेशन वाले बच्चों के साथ एक बढ़िया चीज होती है वो लोग मॉड्यूलेशन पढ़ लेते हैं अब आपको मैं मॉड्यूलेशन का बेसिक आइडिया देता हूँ यार पावर लाइन जो है ना उसमें एक तो वैल्यू पचास हर्ट्स वाले करेंट की है एक पचास हर्ट्स वाला करंट आसानी से फ्लो कर रहा है अब मेरे भाई मुझे एक छोर से दूसरे छोर इन्फॉर्मेशन भी भेजनी है तभी तो डिफरेंशियल रिले काम करेगा अब वो इन्फॉर्मेशन मैं चाहूँ तो पायलट वायर से भेज दूँ जो कि हमने ट्रांसले स्कीम में देखा या दूसरा तरीका है वो इन्फॉर्मेशन पावर लाइन पे ही भेजूँ मैं जब ये बोलूंगा जैसे कई बार घर पर मम्मी ने बोला होगा ना अरे तू जा रहा है सामान लेता जा अरे भाई स्कूल से और कॉलेज से घर आ रहा है जरा सब्जी लेता आई सेम चीज अगर वायर जा ही रही है एक छोर से दूसरे छोर तो उसी पे ना इन्फॉर्मेशन भेज दें काहे के लिए खर्चा करना अच्छा सर ऐसे कैसे ऐसे कैसे सर मिक्स नहीं हो जाएंगी पचास अर्ट्स वाली और इन्फॉर्मेशन नहीं बेटा मिक्स नहीं होंगी कैसे हम जो कॉम्युनिकेशन वाला सिग्नल भेजेंगे ना वो हाई फ्रीक्वेंसी पे भेजेंगे अब रिसीविंग एंड पे आप क्या करो दोनों को अलग अलग कर लो पचास अर्ट्स वाले को कहो भाई तू आगे चल लोड तक पहुंच और जो कॉम्युनिकेशन वाला था उसे बाहर निकाल लिया तू इधर आ तू इधर, इधर आ तुझे देखूंगा पहले तो ऐसा करके ना उसको अलग निकाल लिया समझ रहे हो ऐसा बोलता नहीं है रिसीविंग एंड जस्ट फॉर एनालॉजी तो बेटा ये होता है कैरियर करंट फेज कंपैरिजन सर यहाँ फेज कंपैरिजन क्यों बोला पहले एक-एक वर्ड -एक समझते हैं कैरियर क्यों बोला मैंने बोला आपको जो कम्युनिकेशन वाला सिग्नल जाएगा वो हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएगा वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या कहलाता है कैरियर सिग्नल तो हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड कैरियर सिग्नल ठीक है उसको कैरियर सिग्नल बोला जाता है अब सर चलो ठीक है कैरियर भी हुआ करेंट भी हुआ फेज कंपेरिजन तो बेटा यहाँ पे ना एक्चुअल में दोनों छोर के करंट को कंपेयर नहीं करते ट्रांसले की तरह यहाँ उनके फेज़ को कंपेयर करते हैं देखो अगर एक करंट नॉर्मली लाइन में फ्लो करता जा रहा है तो इसके फेज़ में चेंज आएगा ये पक्का है लेकिन वो चेंज बहुत कम होता है दो डिग्री तीन डिग्री चार डिग्री ऐसा नहीं होगा ना बेटा तीस से माइनस तीस बन जाए ऐसा तो नहीं हो सकता सात डिग्री का चेंज आ जाए इस कारण से अगर हम दोनों छोर पर करेंट का एंगल एंगल एक्सट्रैक्ट करके कंपेयर कर लें देन ऑल्सो वी कैन डिटेक्ट इफ़ देर इज अ फॉल्ट लेकिन आप जानते हो डिफरेंशियल रिले की लिमिटेशन क्या है डिफरेंशियल रिले दोनों छोर के बीच में होने वाले फॉल्ट को डिटेक्ट करता है छोर के बाहर अगर फॉल्ट गया तो इट कैन नॉट डिटेक्ट इट कैन नॉट डिटेक्ट तो इट इज ओनली ऑपरेटिंग फॉर इंटरनल फॉल्ट तो देखो यहां पे क्या क्या लगता है देखो यार ये है आपकी ट्रांसमिशन लाइन जिसको बचाना है अब यहां पे क्या लगा है लाइन ट्रैप लगा है दोनों तरफ सेंडिंग और रिसीविंग एंड पे कपलिंग के लगा है सर्किट ब्रेकर करेंट ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर और रीले ठीक है और ये क्या है ये ट्रांसमिशन यूनिट है ट्रांसमीटर कह सकते हो ट्रांसमीटर व्हाट इज दिस ट्रांसमीटर और दूसरी तरफ क्या लग जाएगा रिसीवर ये वाली होगी रिले यूनिट ये रिसीवर होगा रिसीवर भाई सिग्नल ऐड करना है और निकालना भी तो है एक्सट्रैक्ट भी तो करना है सर ये लाइन ट्रैप क्या होता है देखें यार हमने डेफिनेशन दी है यानी अभी नहीं दी है चलो एक काम करता हूँ मैं आप लोगों के लिए ना एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ वरना फिर ये सारी चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी ठीक है चलो चलो मेरे बच्चों अब बात है सर ये लाइन ट्रैप क्या होता है चलो ये मैं आपको समझाता हूँ यार What is this line क्या होता है ना यार देखो जब लाइन के एक हिस्से को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो कॉम्युनिकेशन सिग्नल सिर्फ उसी हिस्से में रहने वाला है उसके बाहर कॉम्युनिकेशन सिग्नल नहीं जाएगा लेकिन पावर सिग्नल को पूरी लाइन में बहना है पूरी लाइन में आगे तक जाना है पावर सिग्नल को तो लाइन ट्रैप एक ऐसा इक्विपमेंट एक ऐसा एलसी ऑसिलेटर लगा देते हैं जो कॉम्युनिकेशन वाले सिग्नल को रोक लेता है लेकिन पावर यानी फिफ्टी हर्ट्स वाले सिग्नल को आगे जाने देता है तो हम लोग यहां पे क्या कहते हैं इट ऑफर्स ऑफर्स हाई इंपीडेंस इट ऑफर्स हाई इंपीडेंस टू पावर सिग्नल बट सॉरी नॉट टू पावर सिग्नल उल्टा लिख दिया टू कॉम्युनिकेशन सिग्नल या टू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओके बट ऑफर्स लो इंपीडेंस टू पावर सिग्नल टू फिफ्टी हर्ट्स पावर सिग्नल ठीक है लो इंपिडेंस ऑफर करता है पावर वाले को समझ में आया ना पावर सिग्नल को भाई सोर्स से लोड तक पहुंचना है लेकिन कम्युनिकेशन वाले को सिर्फ उतने रीजन में रहना है जितने को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं यार देखो अगर लाइन हजार किलोमीटर की है तो हजार किलोमीटर थोड़ा प्रोटेक्ट कर लोगे भाई इससे क्योंकि कम्युनिकेशन वाला सिग्नल इतनी बढ़िया लाइन पे जाएगा बेटा एटेन्यूएशन तो आएगा लाइन में लॉसेस तो है एटेन्यूएशन तो मेरे हिसाब से समझते हो आप लोग एटेन्यूएशन का मतलब क्या है डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड तो साइन वेव पहले बड़ी बनी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी ऐसा करते करते पहुंचते-पहुंचते ख़त्म हो जाएगी समझ में आ रही है बात ख़त्म हो जाएगी इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर हिस्से में प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी उसके बाहर अगर निकल गए तो फिर बेटा बात नहीं बनेगी इसीलिए आप इस कॉम्युनिकेशन सिग्नल को रोक लो कि आगे वाले हिस्से में ना जाने पाए आगे वाले हिस्से की प्रोटेक्शन अलग करें यानी उसका ट्रांसमीटर अलग उसका रिसीवर अलग ये वाला सिग्नल अगर उसमें भिड़ गया जाके तो ये उसके सिग्नल को भी खराब कर देगा तो उसके सिग्नल को अलग जाने दो इसको अलग रहने दो ठीक है अब एक और डिवाइस थी वहां पे कपलिंग कैपेसिटर। सर ये कपलिंग कैपेसिटर क्या है देखो यार मैं आपको बताता हूं क्या होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर बात करो हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर आप एक्सी निकालोगे वन बाय ओमेगा सी तो ये शॉर्ट हो जाएगा यानी कपलिंग कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट का काम करता है तो इट इज यूज इट इज यूज टू इंजेक्ट कैरियर सिग्नल और और टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम लाइन तो ये सेंडिंग और रिसीविंग दोनों एंड पे लगता है एक जगह सिग्नल को लाइन पे डालने के लिए एक जगह सिग्नल को लाइन से निकालने के लिए एक बार दिखा देता हूं देखो ये अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहां पे जो भी आपने सिग्नल लगाया है वो लाइन पे चला गया और यहां पे जो भी सिग्नल है वो लाइन से बाहर आ गया समझ में आया इसीलिए कपलिंग कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी में तो इसका काम क्या है टू इंजेक्ट द सिग्नल और टू एक्सट्रैक्ट द सिग्नल बात क्लियर हो रही है तो समझ आया क्या है ट्रांसमीटर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कपलिंग कैपेसिटर की मदद से लाइन पे डालेगा फिर कपलिंग कैपेसिटर इस सिग्नल को निकाल के रिसीवर में डालेगा और लाइन ट्रैप ये कोशिश करेगा कि कॉम्युनिकेशन वाला सिग्नल बस इसी हिस्से में रहे इसके बाहर ना जाए इस पर यह वर्क करेगा ये बात क्लियर हुई तो ये दो इक्विपमेंट का नाम याद रख के जाना और ये ध्यान रखना यहाँ फेज़ का कंपैरिजन होता है ना कि पूरे पूरे करंट का समझ आया कि नहीं आया यार जल्दी से बता दो यार ठीक है आज तो आप लोग क्या ही बता पाओगे बट चलो कोई बात नहीं दिस इज ऑल्सो नेसेसरी मेरे को तो यार पता है बड़ा मज़ा आ रहा है इस तरह से पढ़ाने में सोच रहा हूँ कि चैटिंग को क्या परमानेंटली ऑफ कर देंगे क्या यूट्यूब पे यूट्यूब पर सभ्यता आ जाएगी चलो अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे प्रोटेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटर एकदम जी हरा हो गया ये हरा बैकग्राउंड देख के मुझे बड़ा प्यारा लगता है, वाला है ना सुंदर लगता है ना बढ़िया अब सबसे पहले आते हैं रोटर प्रोटेक्शन पे तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा रोटर को कैसे प्रोटेक्ट करना है अब अच्छा एक चीज समझो हमने ये चीज बोली थी पहले कि ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट के सबसे ज्यादा चांसेज होते हैं है ना क्योंकि इट इज एक्सपोज टू द एटमोसफेयर इट इज एक्सपोज टू दैट ओपन एनवायरमेंट बेटा सबसे कम चांसेस जनरेटर के होते हैं बिकॉज इट इज़ द मोस्ट हैवीली प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट अब आपने ये देखा होगा देश में यार उन्हीं लोगों को प्रोटेक्शन स्कीम मिलती है या फिर कहते हैं ना सिक्योरिटी मिलती है जी सिक्योरिटी फोर्स आपने सुनी होगी जो बड़े वीआईपी टाइप लोग होते हैं सेम वे में ना ऑल्टरनेटर वीआईपी है पावर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये वी है पावर सिस्टम का अब ये जब वीआईपी है पावर सिस्टम के अंदर तो भाई इसको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है इसको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको यहां पे ना सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिलेज लगाने पड़ेंगे ताकि इसके अंदर फॉल्ट ना आए क्यों ना आए भाई बहुत महंगा है ऊपर से एक जनरेटर कई सारी जगहों को कई सारे एरियाज को पावर अप करता है तो वहां फॉल्ट नहीं आना चाहिए महंगा भी है और इसके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है चलो तो रोटर की बात करेंगे यार यहां ना दो तरह की स्कीम होती है रोटर और स्टेटर दोनों की अलग अलग पहला है फील्ड ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन अब ये समझो जो रोटर का फील्ड होता है सॉरी जनरेटर का जो फील्ड होता है वो कहा होता है रोटर पे होता है चाहे सिलेंड्रिकल हो चाहे सेलियंट पोल हो जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग रोटर पे स्थित होती है रोटर पे स्थगित होती है ठीक है भाई अब इसके अक्रॉस एक डीसी सप्लाई लगती है जनरली विच इज अ डीसी जनरेटर यहां लिखा भी है एक्साइटर एक्साइटर का काम क्या होता है एक्साइट करना एक्साइट वैसे नहीं जैसे अलग अलग चैनल पे बच्चों को कर दिया जाता है एक्साइट का मतलब फील्ड वाइंडिंग में करंट को फ्लो कराना एक्साइट करने का मतलब क्या होता है उसको एनर्जी देना उसको पावर देना तो फील्ड वाइंडिंग को जब पावर दी गई तो फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स बनाती है यह है एक्साइटर अब फील्ड वाइंडिंग में ना यार कहीं से कहीं तक भी ग्राउंडिंग नहीं होती फील्ड वाइंडिंग के डायरेक्टली दोनों टर्मिनल किससे जुड़ते हैं डीसी सप्लाई से यहाँ किसी प्रकार के किसी रूप में कोई ग्राउंडिंग नहीं देखी जाती लेकिन बेटा किसी कारणवश अगर इंसुलेशन डैमेज होने से फील्ड वाइंडिंग अगर फील्ड वाइंडिंग अगर रोटर से जुड़ गई तब उसे कहते हैं फील्ड ग्राउंड फॉल्ट इंसुलेशन डैमेज होने से अगर रोटर से जुड़ गई तो दैट इज कॉल्ड एज द फील्ड ग्राउंड फॉल्ट तो यहां पे क्या बोल रहे हैं हम फील्ड वाइंडिंग गेट्स कनेक्टेड टू रोटर गेट्स कनेक्टेड टू rotor. तो सर इसमें परेशानी क्या है बेटा इसके अंदर ऐसी कोई खास परेशानी नहीं है मुझे क्या किसी को भी परेशानी नहीं होती लेकिन यहां पे पता है क्या होता है अगर कुछ फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट हो गई जैसे मान लो मैं एक रोटर बना ठीक है मान लो यहां पे वाइंडिंग थी अब अगर इसमें से कुछ टर्न्स आपके शॉर्ट हो गए मान लो यहां पे कुछ टर्न्स आपके शॉर्ट हो गए ये क्या आ गया शॉर्टिंग तो इनका वोल्टेज तो जीरो हो गया तो इसमें क्या होगा ड्यू टू शॉर्ट टोटल तो वोल्टेज टोटल वोल्टेज अपियर्स अक्रॉस रेस्ट ऑफ द टर्न्स सही है बाकी टर्न्स के अक्रॉस आ जाती है अब भाई अगर बाकी टर्न्स में बट गई सारी वोल्टेज तो भाई वहां पे डैमेज का खतरा भी तो बढ़ गया पहले मान लो सौ टर्न थे और सौ वोल्ट थी तो एक टर्न पे कितनी वोल्टेज थी वन वोल्ट अब ये सौ में से बीस डैमेज हो गए या बीस शॉर्ट सर्किट हो गए तो अस्सी टर्न बचे वोल्टेज बची 100 तो 1.25 हो गई यानी हर टर्न पे वोल्टेज का स्ट्रेस बिल्डअप हो गया अगर वोल्टेज बिल्डअप हो गई हर टर्न पे तो वहाँ लगी इंसुलेशन भी डैमेज हो सकती है और ये कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट कर सकता है यानी खुद में डेंजरस नहीं है लेकिन ये बाकी के टर्न्स को भी शॉर्ट होने पे मजबूर कर सकता है वहां के इंसुलेशन भी डैमेज कर सकता है दूसरी बात क्या होती है जब कुछ फील्ड वाइंडिंग के टर्न शॉर्ट हो जाते हैं ग्राउंड हो जाते हैं तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना वो यूनिफॉर्म नहीं बनती है मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स नॉन यूनिफॉर्म जिस कारण से रोटर पे लगने वाला टॉर्क भी होता है नॉन यूनिफॉर्म और रोटर का ऑपरेशन होता है वाइब्रेशनल यानी जितना स्मूथली एकदम गोल गोल घूम रहा था ना वैसे नहीं घूमेगा थोड़ा थोड़ा ऐसे शेक करेगा ठीक है तो इस तरह का वाइब्रेशन पैदा हो जाता है रोटर के अंदर इसीलिए ये फॉल्ट खतरनाक है तो यार देखो इस फॉल्ट के आने पे डैमेज कुछ भी नहीं हो रहा यानी सिस्टम या जनरेटर खराब नहीं हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ क्या करना है ऑपरेटर को अलर्ट करना है कि भाई फील्ड वाइंडिंग ग्राउंड हो गई है एक बार आप चेक कर लीजिए अब जब कभी ये जनरेटर बंद करके मेंटेनेंस में डाला जाएगा तब वो ऑपरेटर इस जनरेटर की फॉल्ट को इस जनरेटर की परेशानी को दूर कर देगा समझ में आई कहानी यहां पे ऑपरेटर को बता दो बस कि भाई फॉल्ट आ गया देख ले एक बार अब वो अपने अनुसार उसको मैनेज कर लेगा देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे ऑपरेशन होता है देखो मान लो यहां पे जो है ना ग्राउंडिंग आ गई अब आप ये देखो ये आ गया क्लोज पाथ ये क्लोज पाथ आने से यहां पे ना कुछ करंट जाने लगेगा आई लेकिन ये ना हाई रेजिस्टेंस लगाए हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस आई इज लो अगर करेंट काफी लो होता है तो देन वी पास दिस करेंट वी पास दिस करेंट टू एन अलार्म अब अलार्म को पास कर दिया तो ऑपरेटर अलर्ट हो जाएगा आप कहोगे सर ये तो पहले भी जा सकता है नहीं मेरे भाई जब तक ये ग्राउंड अवेलेबल नहीं है ना तब तक इस ग्राउंड और इस ग्राउंड के बीच में क्लोज पाथ नहीं बनेगा तो ये किसकी वजह से है दिस इज ड्यू टू फील्ड ग्राउंड फॉल्ट समझ में आया जैसे ही फील्ड वाइंडिंग में ग्राउंड आ जाएगा तो यहाँ पे आपका एक क्लोज पाथ मिल जाएगा करेंट को करेंट को क्या मिल जाएगा क्लोज पाथ इज दैट क्लियर चल अब देखो इसके बाद बात आती है अगली अनबैलेंस लोडिंग की समझ आया फील्ड ग्राउंड फॉल्ट खुद में डेंजरस नहीं है वहां आपको ऑपरेटर को अलर्ट करना है कि भाई एक बार देख ले गड़बड़ आ गई है फिर आता है अनबैलेंस लोडिंग अब देखो जनरेटर से जो लोड जुड़ा यार मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है लोड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते पावर सिस्टम ऑपरेटिव को अगर देखो यानी कि अगर एन को देखो पावर ग्रिड को देखो तो ये लोग लोड नहीं कंट्रोल कर सकते लोड कंज्यूमर के हाथ में अब ये क्या करते हैं कुछ घरों में ए फेज दिया कुछ में बी फेज दिया कुछ में सी फेज दिया तो ये कोशिश करते हैं बराबर लोड तीनों फेज में बट जाए लेकिन अब मान लो मेरा ये घर ए फेज में अभी मैं तुरंत ए सी बंद करूं तो मुझे कॉल करना पड़ेगा क्या बी और सी वालों को कि भाई तुम भी बंद करो ताकि लोड बैलेंस हो जाए ऐसा तो नहीं होता इसका मतलब है लोड हमेशा क्या होता है अनबैलेंस और आप ये चीज़ सिमेट्रिकल कंपोनेंट में पढ़ चुके हो कि जब जब लोड हुआ है अनबैलेंस तब तब इंड्यूस हुए हैं पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट। तो यहां पे क्या हो जाता है ना अनबैलेंस लोडिंग के कारण यहां पे बच्चों आपके आ जाते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या आ जाता है सिमेट्रिकल कंपोनेंट और ये किस एंड पे, पे आ रहे हैं स्टेटर पे आ रहे हैं ठीक है सिमेट्रिकल कंपोनेंट ये किस साइड आ रहे हैं स्टेटर पे ऑफ स्टेटर करेंट अब भाई स्टेटर का जो करंट है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अगर पॉजिटिव सीक्वेंस हुआ तो रोटर के पैरेलल बनाएगा नेगेटिव सीक्वेंस हुआ तो रोटर के एंटी पैरेलल बनाएगा तो अब यानी ये जो स्टेटर का नेगेटिव सीक्वेंस करंट है ना ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा रोटर के अपोजिट अब मेरे भाई अगर मान लो ये मेरा रोटर है मैग्नेटिक फील्ड अगर एन एस से ऐसे घूमी और रोटर हमारा ऐसे घूमा रिलेटिव तो स्पीड क्या हो गई टू एन एस अब ये जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है ना ये रोटर के कंडक्टर को काट रही है अब आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव में भी यही होना चाहिए था काटती तो पॉजिटिव में भी ना मेरे भाई पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए दोनों एनएस सेम दिशा में घूम रहे होते दोनों एनएस सेम दिशा में घूम रहे होते कटिंग तो का तो फंडा आता ही नहीं यहां दोनों अपोजिट में घूम रहे हैं तो अगर यहां पे हमारा रोटर पे हम खड़े हो जाएं, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड घूमती नजर आएगी टू एन एस से तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बार 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 रोटर के कंडक्टर को काटती चली जाएगी रोटर के कंडक्टर को काटती चली जाएगी जिस कारण से रोटर के कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगा ई एम एफ और यहां रिलेटिव स्पीड जब टू एन एस है तो ई एम एफ या करेंट जो इंड्यूस होगा दैट विल बी डबल फ्रीक्वेंसी करेंट अगर एनएस के मतलब फ्रीक्वेंसी एफ होती है तो टू एन एस से क्या होगा टू एफ अब रोटर में ये जो डबल फ्रीक्वेंसी करेंट आए इससे करेंट तो बढ़ गया रोटर का इससे रोटर की हो गई ओवर हीटिंग क्या हो गई रोटर की ओवर हीटिंग अब सर इससे बचा कैसे जाए सर कोई उपाय बताओ कैसे इससे बचे तो ये रिले को देखो ये जो हमने ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बनाया है ना ये ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर कहलाता है नेगेटिव सीक्वेंस फिल्टर ये क्या करता है तीनों लाइन के करंट को लेके उसमें से ना नेगेटिव सीक्वेंस करंट निकालता है क्या निकालता है नेगेटिव सीक्वेंस करंट तो मैं यहां लिख देता हूं नेगेटिव सीक्वेंस फिल्टर फिल्टर्स आउट फिल्टर्स आउट नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्रॉम लाइन फ्रॉम लाइन एंड पासजू एंड पासज टू ओवर करेंट रिले पासेज टू ओवर करेंट रिले ठीक है ओवर करेंट रिले में भेज देता है अब भाई ओवर करेंट रिले में जब ये भेज देता है तो इफ नेगेटिव सीक्वेंस करेंट इज ग्रेटर देन पिकअप वैल्यू किससे बड़ा हो पिकअप वैल्यू से तो रिले ऑपरेट्स रिले ऑपरेट्स सिंपल है ना फंडा नेगेटिव सीक्वेंस करंट को चेक कर लो अगर भाई जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो जनरेटर को डिसकनेक्ट कर दो अगर थोड़ा बहुत है देखो थोड़ा बहुत तो हमेशा रहेगा लोड कभी भी परफेक्टली बैलेंस नहीं हो सकता थोड़ा बहुत है तो चलने दो लेकिन ज्यादा जब हो जाए तब बेटा जनरेटर को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अब जैसे देखो स्पैमिंग ज़्यादा होने से आज हमें चैट डिस्कनेक्ट करनी पड़ गई ना ऐसे ही जब ज़्यादा हो जाए नेगेटिव सीक्वेंस करेंट तो बेटा जनरेटर को डिस्कनेक्ट करना जरूरी है और बच्चों ये आज मैंने सिर्फ स्टेप उन बच्चों के लिए लिया है जो पढ़ने वाले हैं ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो वो लोग लेक्चर को लाइव सुन पाए और बेस्ट वे में सुन पाए अगला है भाई लॉस ऑफ एक्साइटेशन एक्साइटेशन मैंने क्या बताया एक डीसी जनरेटर एक एक्साइटर जुड़ा रहता है जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग से जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को करंट देता है अगर ये एक्साइटर डिसकनेक्ट हो गया या आई एफ जीरो हो गया अगर बेटा आई एफ जीरो हो गया तो ई एफ विल बिकम जीरो अगर ई एफ जीरो हो गया ना जनरेटर की जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है ई एफ वीटी बाय एक्स डी साइन डेल्टा प्लस वी टी स्क्वायर बाय टू वन बाय एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स डी साइन टू डेल्टा इसमें से पहली टर्म गायब हो जाएगी कितनी रह जाएगी पावर पावर रह जाएगी वी टी स्क्वायर बाय टू वन बाय एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स डी साइन टू डेल्टा तो इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर अगर कम हो गई बेटा तो दोनों पावर के बीच में शाफ्ट इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट आ जाएगा इम्बैलेंस दोनों इक्वल नहीं रहेंगी समझ रहे हो ना मैंने आपको स्टेबिलिटी में बताया था अंडर स्टडी स्टेट दोनों पावर बराबर आती हैं और रोटर घूमता है सिंक्रोनस स्पीड से लेकिन अगर यहाँ पे पी -E घट गया तो पी एस इज ग्रेटर देन पी अब आप स्विंग इक्वेशन बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो पिछली यूनिट में पढ़ के आए हो पी एस माइनस पीई विल बी पॉजिटिव तो रोटर तो एक्सेलरेट अब भाई रोटर एक्सेलरेट अगर कर गया तो एनआर विल बी ग्रेटर देन एन एस तब ये क्या बन जाएगा तब ये बन जाएगा एक इंडक्शन जनरेटर क्या बन गया ये इंडक्शन जनरेटर ठीक है भाई अब इंडक्शन जनरेटर को ना फ्लक्स बनाने के लिए चाहिए होता है मैग्नेटाइजिंग करंट इसीलिए इसके स्टेटर पे आपके पास एक एक्स्ट्रा करेंट आएगा कौन सा होगा मैग्नेटाइजिंग करेंट मैग्नेटाइजिंग करेंट तो देखो एक बार रीड कर लेते हैं व्हेन एक्साइटेशन इज लॉस जनरेटर स्पीड अप स्लाइटली एंड ऑपरेट्स एट इंडक्शन जनरेटर बिल्कुल मैंने समझाया राउंड रोटर जनरेटर जो होते हैं बेटा उसमें डैम्पर वाइंडिंग नहीं होती तो वहां ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि डैम्पर वाइंडिंग ना इस स्पीड के चेंज को अपोज करेगी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी लेकिन राउंड रोटर में तो डैम्पर वाइंडिंग है नहीं इसीलिए वहां पे स्पीड का फ्लक्चुएशन ज्यादा आता है यहां स्पीड का फ्लक्चुएशन के पोल अंदर कम आएगा अब यहां पे क्या होता है स्टेटर स्टेटर ओवरहीटेड हो जाता है ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग करेंट एक तो मेन करेंट है जो पावर वाला पार्ट है और एक है मैग्नेटाइजिंग करेंट जो फ्लक्स बनाने के काम में आएगा तो इस वजह से रोटर में आ जाती है ओवर सॉरी स्टेटर में आ जाती है ओवर तो सर यहां पे बचने के लिए क्या करें बेटा बचने के लिए क्या करते हैं ना सबसे पहली चीज़ एक तो फ्रीक्वेंसी देखनी होती है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है लोड गिरने से स्पीड बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वो हमें मॉनिटर करनी पड़ेगी एक रिले से ओवर फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो नहीं जा रही है दूसरी चीज़ हमें क्या चेक करनी पड़ेगी करेंट करेंट चेक करना पड़ेगा करेंट भी चेक करोगे और टेम्परेचर भी चेक करोगे तो यहां पे आप क्या यूज़ कर सकते हो ओवर करंट भी चेक कर सकते हो ठीक है टेम्परेचर चेक कर सकते हो और फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हो इनके बेसिस पे आप रिले डिजाइन करते हैं करंट, टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी ये सब चीज़ें। अब इसके बाद ओवरलोड प्रोटेक्शन ओवरलोड का क्या मतलब है जैसे ट्रक में देख रहे हो कितना सामान लदा हुआ है इसे ओवरलोड कहते हैं इफ लोड ऑन नेटर लोड ऑन ऑल्टरनेटर इज ग्रेटर देन रेटेड वैल्यू क्या है रेटेड वैल्यू से अगर ज्यादा है देन करेंट आर्मेचर करेंट इज ग्रेटर देन आई रेटेड और अगर ऐसा है आई रेटेड से ज्यादा आर्मेचर करेंट है तो स्टेटर गेट्स ओवरहीटेड क्या होगा स्टेटर गेट्स ओवर हीटेड ठीक है ना अगेन आपको यहां पे क्या चेक करना पड़ेगा एक तो ओवर करेंट रिले और दूसरा टेम्परेचर बाय मीन्स ऑफ थर्मोकपल बाय मींस ऑफ थर्मो कपल ठीक है टेम्परेचर बाय मीन्स ऑफ दी थर्मो कपल ओवर स्पीड अब यहां पे भी देखो वही है, अगर आपने लोड सडनली हटा दिया तो रोटर के अंदर पावर्स का इंबैलेंस आएगा सॉरी मशीन के अंदर अगर पीई सडनली रिड्यूस होगा तो पीएस माइनस पीई तो पॉजिटिव आएगा जिस कारण से रोटर एक्सेलरेट स्पीड इंक्रीजे अब बेटा स्पीड अगर बढ़ गई तो इसे कहते हैं ओवर स्पीडिंग ओवर स्पीडिंग अब जैसे ही देखो इलेक्ट्रिकल पावर गिरती है ना साथ साथ आप पीएस को नहीं गिरा सकते पीएस को गिराने के लिए आपको वॉल्व बंद करना पड़ेगा पीएस को गिराने के लिए वॉल्व बंद करना पड़ेगा मेरे भाई टू तो रिड्यूस पी एस क्लोज वॉल्व ठीक है अब हाँ बेटा ये एकदम से बंद नहीं हो सकता क्योंकि जो पानी है, स्टीम आ रहा है उसका प्रेशर भी तो है जो वॉल्व को ओपन रखेगा तो मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक इनर्शिया के कारण ये बंद नहीं हो पाता अब यहां पे आपको क्या करना पड़ता है आप यहां पे यूज करते हो एक मीट्रिक रिले वॉट मीट्रिक रिले का मतलब मीटर टाइप रिले मीटर क्या मेजर करता है पावर तो यहां पावर मेजर करते हो और दूसरा रिले क्या मेजर करता है स्टीम इनपुट स्टीम इनपुट तो अगर आपकी पावर यानी कि लोड कम हो गया लोड आप मेजर कर रहे हो अगर वॉटमीट्रिक रिले ने यह बताया भाई अचानक से पावर कम हो गई है तब आपको टर्बाइन के पास जो वॉल्व है उसको क्लोज डाउन करना पड़ेगा टर्बाइन के पास जो आपका वॉल्व है ना उसको क्लोज डाउन करना पड़ेगा अगर अगर आपका लोड सडनली कम हो गया ठीक है चलो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ओवर वोल्टेज में क्या होता है देखो केस ऑफ ओवर स्पीड अगर ओवर स्पीड आई तो एन बढ़ेगा जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी जिससे ई एम एफ बढ़ेगा या दूसरा क्या होता है फेलियर ऑफ ए वी आर अगर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर नहीं चला ना सही तो भी आपकी ओवर वोल्टेज आएगी ए वी आर अगर काम नहीं कर पाया सही से बात क्लियर हो रही है तो अब ओवर वोल्टेज में हम क्या करते हैं एक ऑफसेट मोर रिले यूज करते हैं या फिर ए सी ओवर वोल्टेज रिले ओवर वोल्टेज रिले ये जो ओवर वोल्टेज रिले होता है ना इसकी रेटेड वोल्टेज होती है एक सौ दस परसेंट ऑफ सिस्टम वोल्टेज और ये ट्रिप कब करता है ये ट्रिप तब करता है रिले ट्रिप्स इफ इफ वोल्टेज लाइज बिटवीन 130 थर्टी परसेंट टू वन परसेंट ऑफ सिस्टम वोल्टेज 130 से 150 परसेंट में अगर वोल्टेज लाई करती है ना तब ये रिले ऑपरेट करता है यानी इतनी ऊपर चली जाए 30 से 50 प्रतिशत तो ये डिस्कनेक्ट कर देगा सिंपल सिंपल ये चीजें अब आपका ये मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा सर इस पे सवाल कैसा आता है बेटा सवाल यहां जो बन सकता है ना वो सिर्फ मैचिंग टाइप का बन सकता है कि रीले देके ये पूछ ले ये कहां यूज होता है या मशीन दे के ये पूछ ले इसमें कौन कौन से रीले यूज होते हैं इतना सिंपल सवाल आएगा समझ रहे हो इसीलिए जबरदस्ती का नहीं फसा रहे फेलियर ऑफ प्राइम मूवर अब यार यहां पे देखो अगर प्राइम मूवर अगर आपका प्राइम मूवर डी कपल्ड हो गया प्राइम मूवर अगर डी कपल्ड हो गया तो पी एस विल बी जीरो पी एस माइनस पी ई विल बी नेगेटिव पी एस माइनस पी ई विल बी नेगेटिव डेल स्क्वायर डेल्टा बाय डेल्टी स्क्वायर विल बी नेगेटिव तो रोटर डी एक्सेलरेट्स ठीक है और दूसरी चीज यहां पे क्या होती है जनरेटर ड्रॉज करेंट फ्रॉम ग्रेड एंड बिहेव एज मोटर जनरेटर ना ग्रिड से करंट लेके मोटर की तरह काम करने लगता है किसकी तरह काम करने लगता है मोटर की तरह तो यहां पे आप क्या लगा सकते हो इससे बचने के लिए यहां पे आप लगा सकते हो यूज डायरेक्शनल रिले यूज डायरेक्शनल रिले ठीक है तो यहां आप डायरेक्शनल रिले लगाओ कि अगर मोटर है तो करंट देने की जगह लेगी और अगर करंट या पावर का फ्लो रिवर्स हुआ है तो डायरेक्शनल रिले कैन इजीली डिटेक्ट इट सो दैट इज द फेलियर ऑफ प्राइम मूवर अब आ जाओ भाई क्वेश्चन पे तो बात हो गई आज के ज्ञान की आज की थ्योरी की क्वेश्चन पे आ जाओ कल हम लोग ये चैप्टर ये यूनिट वाइंड अप कर देंगे और कल ना आपकी क्लास सुबह नौ बजे रहने वाली है ठीक है भाई कल आपकी क्लास सुबह नौ बजे रहने वाली है तो जल्दी से मुझे बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा है कैरियर करेंट स्कीम कंपेयर्स क्या कंपेयर करती है मैंने बताया था फेज कंपेरिजन इसीलिए मैंने क्वेश्चन में फेज लिखा नहीं वरना तुम डायरेक्टली आंसर कर देते अगला रोटर अर्थ फॉल्ट कैन डैमेज रोटर ऑफ द मशीन ट्रू या फॉल्स रोटर बर्बाद हो सकता है रोटर अर्थ फॉल्ट आपका रोटर डैमेज कर सकता है मैक्सिमम बच्चों ने गैस कर लिया होगा फॉल्स ये सिर्फ क्या करता है ये सिर्फ आपके इंसुलेशन पे इफेक्ट डालता है रोटर डैमेज नहीं करेगा इसीलिए इसमें जनरेटर को कभी डिस्कनेक्ट नहीं करना जनरेटर स्टार्ट टू बिहेव एज अस मोटर अभी अभी पढ़ के आयो ट्रू या फॉल्स प्राइमूवर फेल होने के बाद जनरेटर एक मोटर की तरह बिहेव करता है बहुत ही सही आंसर विल बी ट्रू ठीक है तो बच्चों ये हुई आज के ज्ञान की बात अब मैं आपको बता रहा हूं यार सत्रह मार्च से मैं प्लस पे लेके आ रहा हूं एनालॉग सत्रह मार्च से क्या लेके आ रहा हूं एनालॉग और अगर आपको पढ़ना है तो आप तुरंत ज्वाइन हो सकते हो विशाल सर इकतीस मार्च से लेके आ रहे हैं आपके लिए कंट्रोल ठीक इसके अलावा देखो अंकित ई कोड अगर लगाते हो तो वन ईयर की आपकी फीस हो जाती है ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी फाइव एटीन मंथ थर्टी फोर सिक्स टू ईयर थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा बेटा टू ईयर पे जाओ पर मंथ कॉस्ट मिनिमम और मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर सकते हो आइकॉनिक पे अगर जाते हो तो अंकित ई कोड लगाने से आपकी वन ईयर की फीस होगी फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी फाइव टू ईयर की होगी सिक्सटी सिक्स सिक्स हंड्रेड तो टू ईयर पे जाओ पर मंथ कॉस्ट मिनिमम एंड क्रैक मल्टीपल एग्जाम कोड याद रखेंगे अंकित ई और यार ये मेरा अन अकेडमिक प्रोफाइल है बच्चों यहाँ मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो आप मुझसे चैट कर सकते हो अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहो तो कम है और मैं आपको टेलीग्राम चैनल दे दे रहा हूँ जहाँ पे मैं अभी नोट्स अपलोड कर दूंगा अपने सभी लेक्चर्स के तो यहाँ जाके नोट्स कलेक्ट कर लेना अच्छे से रिवाइज करके आना कल संडे है बट बीच में एक आधी क्लास आपकी मिस हुई है इसीलिए कल सुबह नौ बजे क्लास ले रहा हूँ ठीक है सो थैंक यू एवरीबडी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं और बेल आइकन नहीं दबाए तो ज़रूर दबाएं थैंक यू एवरीबडी